हर हर महादेव। मैं पंडित विपिन कुमार आदिदेव ज्योतिष केंद्र से आपसे बात कर रहा हूँ। हर हर महादेव। आप सभी को विश्वकर्मा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान विश्वकर्मा ने महलों, हथियारों और सिंहासनों का निर्माण किया था, इसीलिए भगवान विश्वकर्मा को वास्तुकार कहा जाता है। उन्हें स्वयंभू और विश्व का निर्माता माना जाता है। विश्वकर्मा पूजा के दिन कामकाजी लोग अपने बेहतर भविष्य, सुरक्षित कामकाजी परिस्थितियों के लिए सच्चे मन से भगवान विश्वकर्मा पूजा अर्चना करते हैं। भगवान विश्वकर्मा को स्वर्गलोक, पुष्पक विमान, कुबेरपुरी जैसे सभी देवनगरियों का रचनाकार कहा जाता है। इसके अलावा भगवान विश्वकर्मा ने सोने की लंका और भगवान श्री कृष्ण के लिए द्वारका नगरी का निर्माण किया था। धार्मिक मान्यता है कि इस शुभ अवसर पर भगवान विश्वकर्मा की विधिवत पूर्वक पूजा अर्चना करने से कार्यक्षेत्र में आ रही बाधा से मुक्ति मिलती है और बिजनेस और में अपार सफलता प्राप्त होती है। यदि आप विश्वकर्मा जयंती के दिन भगवान विश्वकर्मा को हल्दी, नारियल और कुमकुम अर्पित करते हैं तो आपके व्यापार में तरक्की के मार्ग खुलते हैं। धन व्यापार में वृद्धि। विश्वकर्मा जयंती पर धन सुख संपदा में वृद्धि के लिए ओम कुमाय नमः और ओम अनंतम नमः मंत्र का जाप करते हैं, जिससे भगवान विश्वकर्मा प्रसन्न होते हैं। पूजा अर्चना करने से कार्यक्षेत्र में आ रही बाधा से मुक्ति मिलती है और बिजनेस और में अपार सफलता प्राप्त होती है। हर हर महादेव। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर